नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए खेल जगत की बड़ी खबरें। कोलकाता के अलीपुर जिला अदालत ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अंतरिम भरण पोषण के तौर पर पत्नी हसीन जहां को हर माह 50,000 रुपए देने का निर्देश दिया है। 2015 में शमी और हसीन ने एक बेटी आयरा शमी को जन्म दिया। हसीन ने अपनी पहली शादी की बात शमी से छुपाई थी। बाद में जब भारतीय तेज गेंदबाज को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों बेटियों को साथ रखने के लिए कहा। हसीन इसके लिए तैयार नहीं हुई। मोहम्मद शमी अपनी हसीन जहां के साथ तकरीबन 4 साल से ज्यादा समय से साथ नहीं रह रहे हैं। हसीन जहां मोहम्मद शमी से गुजारा भत्ता को लेकर चर्चा में है। हसीन को पहली शादी से 2 बच्चे हैं। वो फिर केकेआर टीम के साथ जुड़ गई। वहां वे मैदान पर अन्य लड़कियों के साथ टीम को चेयर किया करती थी। इसी दौरान 2012 में उनकी मुलाकात तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से हुई। हसीन केकेआर की टीम में चीयर लीडर की भूमिका में थी और शमी टीम के तेज गेंदबाज थे। वहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। दोनों ने 2 साल तक डेट किया और फिर 2014 में शादी कर ली। 2015 में शमी और हसीन ने एक बेटी आयरा शमी को जन्म दिया। हसीन ने अपनी पहली शादी की बात शमी से छुपाई थी। उन्होंने बाद में अपने पति पर चीट करने सहित कई संगीन आरोप लगाए थे। उसके बाद से ये कपल अलग रह रहा है। शमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके मन में 3 बार आत्महत्या करने का विचार आया था। बता दें कि कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक महीने की 10 तारीख को शमी को उक्त राशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 2018 में इस मामले के दौरान अदालत ने आदेश दिया था कि शमी को अपनी बेटी के लिए प्रतिमाह 80,000 रुपए का भुगतान करना होगा। न्यायाधीश गांगुली ने सोमवार को अपने फैसले में यह भी कहा कि ये आदेश 2018 में मामला शुरू होने के समय से प्रभावी होगा, यानी शमी को उस साल मार्च में मामला दर्ज होने के समय से बकाया राशि का भुगतान करना होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की सीरीज का आखिरी वनडे आज इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम दोपहर 1:30 बजे से खेला जा रहा है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे था। भारत ने शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। ऐसे में उसकी कोशिश पहली बार न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने पर होगी। भारत ने अब तक 3 मैच की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी भी क्लीन स्वीप नहीं किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 17 द्विपक्षीय एक दिवसीय सीरीज हुई है। इसमें से भारत ने 9 में जीत हासिल की है जबकि न्यूजीलैंड ने 6 सीरीज अपने नाम की है। 2 सीरीज ड्रॉ रही हैं। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी क्लीन स्वीप नवंबर 2010 में किया था। तब उसने 5 वनडे की घरेलू सीरीज में 5-0 से जीत हासिल की थी। उसके बाद से दोनों के बीच ये 7वीं एक दिवसीय सीरीज है। इसके पहले हुई 6 में से भारत और न्यूजीलैंड ने 3-3 एक दिवसीय सीरीज अपने नाम की थी। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी बार जनवरी 2019 में एक दिवसीय सीरीज जीती थी। उसके बाद भारत ने अब ये सीरीज जीती है। इस बीच न्यूजीलैंड ने 2 सीरीज अपने नाम की थी। भारतीय क्रिकेट टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला से पहले एक तैयारी शिविर में हिस्सा लेगी, लेकिन मेहमान टीम यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से पहले किसी भी खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए रिलीज नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से पैक्ड क्रिकेटर कैलेंडर के कारण टीम को किसी सीरीज से पहले शिविर में हिस्सा लिए काफी समय हो गया है। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3रे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की पूर्व संध्या पर बताया कि टेस्ट खिलाड़ी नागपुर में 9 फरवरी से होने वाले पहले टेस्ट से पूर्व ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रेड बॉल मैच में अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में खेलने को लेकर शर्त भी बताई। राहुल द्रविड़ से पूछा गया था कि क्या रणजी ट्रॉफी के लिए कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने के बारे में सोचा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।